और एक न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आप आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज जा रहा हूँ हाथी देखने के लिए, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, स्किप मत कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम पहुंच चुके हैं धूपजोड़ा में। ये देख सकते हैं ये गांव धूपजोड़ा गांव है। तो ये रोड काफी छोटा है इसलिए हम लोग स्लो जा रहे हैं। तो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर है अभी जिस जगह पे हाथी रहता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए कंटिन्यू, तो आप लोग और ले जाके अभी हम लोग दिखाने वाला है हाथी। अभी हम पहुंच चुके हैं घासमड़ी बस्ती। तो आप देख सकते हैं घासमड़ी बस्ती का रोड है, सीसी रोड है। तो अभी थोड़ा आगे जाने के बाद हम लोगों का एक एरिया मिल जाएगा जिसपे हाथी देखने को मिलता है, पर अब नसीब में क्या होता है देख सकते हैं आगे जाके। फ्रेंड्स, हम फाइनली पहुंच चुके हैं गोरुमारा एलिफेंट कैंप में। आप देख सकते हैं ये गोरुमारा एलिफेंट कैंप का रिसोर्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे बहुत ही सारा कॉटेज सब है। तो यहाँ पे आके आप नाइट स्टे भी कर सकते हैं। इस साइड में भी कॉटेज सब है, देख सकते हैं। इस साइड का व्यू बहुत ही काफ़ी अच्छा आता है, देख रहे हैं। तो इस साइड में फॉरेस्ट है, तो इसी के साइड में हाथी सब रहता है, आप देख सकते हैं। तो हम अभी पहुंच चुके हैं हाथी के घर के सामने, आपको लेके जा रहे हैं हाथी के घर के सामने। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही सारा हाथी सब है। हाथी अभी आया हुआ है जंगल तरफ से, तो वो अभी हल्का घास भूसा खा रहा है। तो अभी 3 हाथी है फिलहाल, और भी हाथी सब अभी जंगल से नहीं आया हुआ है। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो आज हाथी देखते देखते काफी लेट हो चुका है, तो अभी निकल रहे हैं मेरे घर की तरफ। तो मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा। बस आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।